हेलो, मेरे नन्हे मुन्ने शैतानों। तो चलो, त्रिकोणमिति में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब अनुपातों का वर्ग करके जोड़ा जाता है तो उनकी वैल्यू कुछ मिलती है हमें, इसे हम सर्वसमिका कहते हैं। सर्वसमिका जो प्रत्येक पद में अपनी बाएं और दाएं मानों के लिए बराबर रहती है उसे सर्वसमिका कहते हैं, मानी सर्वस्थान पर समान। ठीक है, तो हमारे पास जो अनुपात हैं वो साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉसेक है, कॉट है। तो ये अनुपात जो हैं, इन अनुपातों के बीच एक संबंध होता है, और ये संबंध होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये होता है मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है, ये इसका लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, और ये मान लो कोण थीटा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज के लिए लंब और कर्ण के अनुपात का वर्ग और आधार और कर्ण के अनुपात का वर्ग अगर जोड़ा जाए इसी कोण के लिए, इसी कोण के लिए इसकी लंब वाली भुजा और कर्ण वाली भुजा का जो अनुपात है लंब बटे कर्ण उसका वर्ग किया जाए, और इसी कोण के लिए आधार जो ये वाली भुजा है और इस वाली भुजा का अगर अनुपात लेकर वर्ग किया जाए तो उसका मान जोड़ने पर एक आता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आप लिखोगे लंब का वर्ग, यहाँ लिखोगे साइन किसका वर्ग, साइन किसको कहते हैं, लंब बटे कर्ण को कहते हैं। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस किसको कहते हैं, आधार बटे कर्ण कहते हैं, और इसका वर्ग कर दिया। अब अगर इसको हम जोड़ते हैं, अब अगर इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने में देखो ये होगा लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। अब इसका लासा दोनों का वर्ग जो है वो कर्ण है, कर्ण है। जैसे बीज गणित में जोड़ते हो, यहां ऐसे अक्षर मत मानो, अगर अक्षर मानना है तो लंब को यल लिख लो, के स्क्वायर लिख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है इसे ए स्क्वायर लिख लो, इसे के स्क्वायर लिख लो। अब देखो इनके हर समान है ना, बीज गणित के फॉर्म में आ गए, अगर इनके हर समान है तो ये लासा हो जाएगा और ऊपर वाला पद सीधे जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि इससे भाग दोगे ये कट गया, एक आया गुणा किए ये आया, लंब का वर्ग के स्क्वायर से के स्क्वायर को भाग दिए कट गया, एक आया ऊपर गुणा किए ए स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय याद करो, लंब का वर्ग माने इस भुजा पर बना वर्ग धन आधार का वर्ग यानी आधार वाली भुजा पर बना वर्ग जितनी जितनी जगह अपने अंदर घेरता है उस जगह का टोटल होता है कर्ण पर बनी भुजा, कर्ण की जो भुजा होती है इस भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर मोटा माटी हम आपको समझा दें, डायरेक्टली उसको जाने दीजिए, तो आपने सूत्र में पढ़ा है कि इसका मतलब होता है कर्ण का वर्ग। अगर इनके वर्गों को करके जोड़ा जाए तो जो आएगा वो संख्या कर्ण का वर्ग कहलाएगी, और बटे कर्ण का वर्ग, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इस तरीके से हमें मिल जाता है एक। यानी ये प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। कहां से एक होता है ये आपको बताया गया, यहां से एक होता है। ठीक है, अब इसको लेकर के, इसको लेकर के हम तीन बदलाव कर सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो उस स्थान पर जरूरत पड़ने पे हम एक लिख सकते हैं। ठीक है, वहां पर जरूरत पड़ने पर हम एक लिख सकते हैं, या कहीं एक लिखा है और हमें जुगाड़ में दिख रहा है कि अगर इतना आ जाता तो हमारा काम हो जाता, तो हम एक के स्थान पर इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं, जहां ये फिट बैठेगा, जहां इसकी जरूरत होगी। अब इसके दो रूप अलग अलग बन जाते हैं, दो अलग अलग रूप दिखाता है ये। ठीक है, अगर कहीं पर अकेले साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में बदलना है तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं एक, इसको इधर ले जाएंगे ऋण कॉस स्क्वायर थीटा,
मतलब कहीं साइन लिखा है और हमें लग रहा है कि अगर यहाँ कास आ जाता तो हमारा काम हो जाता, तो वहाँ पे साइन की जगह पर हम कास के रूप में साइन को ऐसे लिख सकते हैं, माने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 - cos² θ, क्योंकि त्रिकोणमिति एक पद से दूसरे पद में बदलाव की गणित है, इसमें फाइनल उत्तर कुछ नहीं आएगा। अब जो अंक गणित वाली आपकी ट्रिग्नोमेट्री थी वो खत्म हो गई। अब यही मूल ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, इसको अगर तुमने समझ लिया, इस चीज़ को बारीकी से अपने दिमाग में बैठा लिया, तो आगे आने वाली सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक है और इसको अच्छे से समझ लो। और कहीं अगर इतना लिखा है और जरूरत हो रहा है कि हमारा एक पद में हो जाए, तो इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, या हमारा साइन के पद में हो जाए तो हम इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं या इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं, जैसे हमें सवाल हल करनी पड़ेगी। अब कहाँ लगाना है ये तो प्रैक्टिस और बताने पर पता चलेगा। और अगर हमें लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - sin² θ। तो भाई ये तीन फॉर्मूले हमें पहला मिला, ठीक है। और ये फार्मूला क्या कहता है कि इस त्रिभुज के लंब और कर्ण के वर्ग, धन आधार और कर्ण के वर्ग को अगर जोड़ा जाए तो एक किसी एक ही कोण के लिए, देखियो यहां भी थीटा यहां भी थीटा, तो इसका मान क्या आता है, एक आता है, ठीक है। अब चलो इनके और फैमिली के पास चलते हैं। तो इनकी फैमिली का जो दूसरा हिस्सा है वो है 1 tan² θ = sec² θ। ये कहा जाता है कि अगर एक में हम टेन का वर्ग जोड़े, माने एक में हम लंब बटे आधार का वर्ग करके इन भुजाओं का पहले अनुपात लेंगे, 2 है ये 5 है, तो लिख लो भैया 2 × 5, 2/5, 2/5, तो 2/5 क्या होगा, टेन का मान होगा। त्रिभुज वाले पिछले वाले चैप्टर में जाके देखो, वहां पे ऐसा है, ठीक है। तो ये टेन का मान होगा और इसको वर्ग करके अगर हम जोड़ें, मतलब एक के साथ किसको वर्ग करें, टेन के मान को, तो टेन का मान कहां से मिलेगा, लंबटे आधार से मिलेगा। तो लंबटे आधार का वर्ग करके एक में जोड़ें तो मान बदल जाता है किसमें, sec² θ में, मतलब कर्ण बटे आधार के वर्ग में बदल जाता है। अगर एक में हम लंब बटे आधार का वर्ग करके जोड़ें तो वह मान बदल जाता है किसमें, sec² θ में, मतलब कर्ण बटे आधार के वर्ग में बदल जाता है, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे हम बायां पक्ष लेंगे 1 और tan θ, तो इसको क्या लिखोगे, लंब बटे आधार, तो बीज गणित के पद में लिखें तो यल बटे ए, यल फॉर लंब, ए फॉर आधार, और इसका वर्ग, तो जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1 + l² / a² जब इसका लासा लोगे तो लासा लेने पे ये हो गया a². अब एक से भाग दोगे a² में तो इतनी ही बार जाएगा और ऊपर लिखेंगे a² प्लस, फिर a² से भाग दोगे a² में एक बार जाएगा, ऊपर गुणा करोगे हो गया l² अब इसे आप लिख सकते हो आधार का वर्ग, अगर हिंदी में लिखोगे, प्लस लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग। तो अभी यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला ये पाइथागोरस सूत्र बना पड़ा है, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग। अब इसे लिख सकते हो कर्ण बटे आधार, बड़ा बड़ा नहीं लिख रहे, और इसका वर्ग, और इसे क्या लिख सकते हो, कर्ण बटे आधार को sec लिख सकते हो, sec θ, ठीक है। और इस पर स्क्वायर लगाए तो यहाँ स्क्वायर लगा दो। अब देखो इसके बराबर ये आपने प्रूव कर दिया। अब इसकी भी फैमिली है 1 tan² θ = sec² θ, ये तो हो रहा है, ठीक है। अब अगर कहीं एक के बदले लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो एक बराबर होता है sec² θ - tan² θ, इसको इधर ले जाके घटा दे, ये sin² θ + cos² θ जैसा बन गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे देखो एक के स्थान पे जरूरत पड़ेंगे तो इसको लिख लेंगे, या इसके स्थान पे जरूरत पड़ेगी तो एक को लिख लेंगे। एक तो ये फॉर्म हो गया, ऐसे बदल सकते हैं। दूसरा होगा tan² θ
बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, मतलब कहीं ऐसा लिखा मिले। दरअसल इनमें कोई गुणा भाग घटाव तो हो नहीं सकता है, तो दो पद को एक पद में या एक पद को दो पद में बार बार कैसे बदलते रहेंगे। तो वही बता रहे हैं कि कहीं ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हो, या ऐसे के स्थान पे इस तरीके की वैल्यू लिखनी हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखनी हो तो उसे लिख सकते हो, और कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो वहां एक लिख सकते हो, या कहीं एक एक के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या कहीं जरूरत पड़े तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा लिखो। मतलब आपको दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। जैसे पजल होता है आपके पास, उसमें अलग अलग खाने मिलाने होते हैं, खाने आपको दिए हैं तो ये आपके खाने हैं समझ लो। अब सवाल को आप, सवाल का एक फिगर मिल रहा है, उसमें क्या है एक चित्र होता है आपको मेंटेन करना होता है। मान लो वो पजल जो होता है उसमें खरगोश बना हुआ है, तो आपको खरगोश को सारे जितने स्ट्रिप में खरगोश की प्रिंट गई है सबको एक सीध में लाएंगे तभी खरगोश दिखेगा। वैसे ही यहाँ सवाल का एक रूप से दूसरे रूप तक एक पजल दे देते हैं कि इस रूप तक पहुँचाना है, और ये सब उसकी गोट है, इनको रास्ते में सेट करना है, कौन किसके साथ सेट करते हुए इस रूप में ढाल लाओ, तो ढालने का काम इनकी सहायता से करते हैं। तो ये हो गया हमारी दूसरी फैमिली, कुल 6 सूत्र हो गए आपके, ये समझ लो खांचे हैं, ये त्रिकोणमिति की काका गागा है, इसको सीख लोगे। अभी तक तो सीख सोचे कि त्रिकोणमिति होती का है, पहले तो इसको समझे, अब समझ गए त्रिकोणमिति होती का है, ये भुजाओं का अनुपात है, तो इन अनुपातों को आपस में उलझाते कैसे हैं वो देख, तो उसको उलझा रहे हैं एक दूसरे में, तो बस एक दूसरे में से उलझाते हुए सुलझाना है, यही समझ लो। जो वो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचो, तो उसको पहुँचना है एक दूसरे में बदलाव करते हुए, ना ये जुड़ेंगे ना ये घटेंगे। तीसरा है वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ओ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी ये वही कह रहा है कि अगर एक में हम आधार बटे लंब का वर्ग करके जोड़ें काट की वैल्यू, तो आएगा क्या कर्ण बटे लंब का वर्ग, ठीक है सेक स्क्वायर थीटा। अब चलो अब काफी कुछ समझ गए होगे, अब इसको डायरेक्ट काट का क्या होता है लंब, आधार बटे लंब, तो यहाँ करेंगे आधार बटे लंब और इसका वर्ग करेंगे, अब होगा वन प्लस ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, इसके बटे एक करके जब लासा लेंगे तो ये होगा एक से भाग दोगे तो एल स्क्वायर बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो एल आएगा, वो एल स्क्वायर आएगा, प्लस एल स्क्वायर से भाग देंगे ये कट जाएगा एल स्क्वायर, तो एक आएगा, ऊपर गुणा करोगे तो ए स्क्वायर आएगा। तो अब बराबर हो गया लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो गया कर्ण का वर्ग बटे लंब का वर्ग, ऐसे लिख सकते हो के अपान एल यानी कर्ण का कर्ण बटे लंब और इसका होल स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी प्रूव हो गया। अब इसके भी तीन हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, एक तो ये खुद ही है, दूसरा होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल वन। मतलब इधर उधर कर लो, चिन्ह बदल लो, चाहे जिसको जिधर ले जाओ, और इस तरीके से तीन ये फैमिली मिल गई, मानी कुल मिला के 9 हो गए। अब इस 9 पर बेस्ड है आपका हाई स्कूल की जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसका कम से कम 2 पार्ट और बनेगा तब जा करके आप पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख पाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। देखो अब ये सवाल है, इस सवाल में बाएं पक्ष में 2 पद हैं, पहले पद में 2 अलग अलग अनुपातों का गुणा भी दिया हुआ है, इसमें 1 का वर्ग है ये दूसरा अनुपात है, और इसमें 1 तीसरा अनुपात जुड़ा हुआ है, और ये कह रहा है कि सब सेट करके ये इधर वाला जो चित्र है ना उसको इस चित्र में बदलना है,
और बीज गणित का कोई सामान्य गुणा भाग, अब यहां ये तो है नहीं कि यस का सी से गुणा कर दिए तो पी आ गया, कुछ नया आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो इनको बदलना है, कैसे बदलना है, उन्हीं नौ के सहारे बदलना है। अब चलो देखते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये साइन है, इसके बीच में ये कॉसेक है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, अगर इसको हम खोले तो ये स्क्वायर बन सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा गुणे एक बटे साइन थीटा। अब नौ तो ये थे, और जो पिछले हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, और साइन बटे कॉस का अनुपात टैन होता है, कॉस बटे साइन का अनुपात कॉट होता है, ये भी लगता रहेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। प्लस साइन थीटा, ये सीखते चलना है, जैसे गिनती सीखे, पहाड़ा सीखे, साथ साथ लेके चल रहे हो ना, वैसे वो जो पिछला है उसको भी लेके चलना होगा, बटे साइन थीटा गुणा कर लें प्लस साइन थीटा। अब ये हो गया, अब इसके बटे एक कर लो, अब बेटा लासा ले लो, अब लासा लोगे तो ये हो गया साइन थीटा, भाग दिए तो एक बार गया, ऊपर गुणा किए तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस एक से भाग दोगे तो इतनी बार जाएगा साइन थीटा बार जाएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा में गुणा करोगे तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब ये वो पहला वाला बन गया ना, जो नौ जादू हैं आपके पास कि दो को मिलाओ एक हो जाता है, उस जादू में से एक जादू बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में धन है तो चाहे जिधर लिखो, तो ये हो गया एक बटी साइन थीटा, ये तो एक हो गया ना, ऐसे प्रयोग करना है। अब इतने को झट से आपने एक में बदल दिया, ठीक है, अब एक में जब बदल दिए तो एक बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, अभी यहां बदल के लाए थे, ठीक है, आ गया। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आराम आराम से अगर करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और हल्ला मचाओगे, हलचल करोगे तो फिर ये नहीं आने वाली। देखो दूसरा, वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब यहां देखो, ऊपर तीन पद हैं, नीचे दो पद हैं, और कह रहा है कि इनके बीच संबंध बनाओ, और संबंध बना के क्या लाना है, कॉट थीटा लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ कुछ जुगाड़ उगाड़ फिट करो, और कौन सा चाह रहा है, कोई गुणा भाग होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, तो कुछ केवल क्या करना है, जुगाड़ सेट करना है। तो जुगाड़ कैसे सेट होगा, चलो देखते हैं। देखो अगर ये पद इधर उधर कर दें, जो अंश वाले पद हैं, ये अगर हम इधर उधर कर दें, जैसे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसको एक साथ ले आए, कॉस थीटा बाद में लिखते हैं, आपकी पैनी निगाह अपनी शिकार पर होनी चाहिए, जैसे बाज निगाह रखता है ना जमीन पे किसी चलते हुए जीव पर, पक्षी पर। अब नीचे देखो साइन थीटा कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो भैया साइन थीटा कॉमन ले लो, और ब्रेकेट में यहाँ का बच गए, यहाँ तो बचा एक और प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर क्या हो गया, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा, जो पिछली बार सूत्र प्रयोग किए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, उसके स्थान पे यहां पे ये एक में साइन का वर्ग घटाया जा रहा है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा ब्रेकेट में वन प्लस कॉस थीटा। अब अभी तो यहां दो पद यहां हैं, दो पद यहां हैं, तो इसमें कॉस थीटा कॉमन लो, कुछ निपटाना भी पड़ेगा, कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो कॉमन लेने का मतलब भाग दे रहे हो, तो इसकी एक घात है, जब इससे इसको भाग दोगे तो भाग में घातें घटती हैं, तो दोनों कॉस थीटा से भाग देने पर इसकी एक घात बचेगी, तो ये हो गया कॉस थीटा, और यहां से कॉस निकल गया तो यहां बचा प्लस वन बटे साइन थीटा और ब्रेकेट में वन प्लस कॉस थीटा।
अगर धन चिन्ह के साथ लिखा है तो चाहे उल्टा सीधा कैसे लिखा हो बराबर है, ये निपट गया। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो होगा का कॉट थीटा, और प्रूव हो गया। देखो बड़े छोटे छोटे पैमाने से चल रहा है, ठीक है, कोशिश करिए इसको समझने की, भागने की नहीं। डोंट स्किप 2x 3x 4x, नहीं देखना है, बहुत स्लोली समय दीजिए तब सीख पाएंगे। सोचिए कि ऐसे कुछ कोई बता दे और आपके दिमाग में पूरी तरह ऐसे समाता चला जाए तो ऐसा इम्पॉसिबल है ना बेटा। sec की पावर 4 थीटा, जितना समय दोगे जितना दोगे उतना मिलेगा, प्रकृति का सिद्धांत है। tan की पावर 4 थीटा, निघर में बेचते तुम्हारी होगी हमारी थोड़ी, 2 tan² थीटा, ठीक है। अब यहां पे इसमें यहां दो पद है, 4 घात है, यहां 2 घात है, तो 2 घात होने का मतलब है कि इसको आराम से तोड़ सकते हैं। अब देखो यहां पे कुछ तो बीजगणित लगेगी। अब यहां sec थीटा ए स्क्वायर जैसा है और tan थीटा बी स्क्वायर जैसा है, ठीक है, तो यहां पे इसे लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा पूरे की होल स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर थीटा पूरे की होल स्क्वायर, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, वर्गांतर। अगर ऐसा दो पद वर्ग के रूप में लिखे हों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी ए प्लस बी, इसे वर्गांतर कहते हैं। तो ऐसे यहां भी कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब भैया कुछ करना नहीं है, ये देखो सामने कुछ दिख रहा है, ये tan वाला पार्ट है वो पढ़ा अभी हमने, 1 plus tan² थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो अगर ये tan हुआ को इधर ले जाओ पकड़ के, माइनस हो जाएगा इधर जाएगा तो, जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस हो जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो इधर का बचेगा एक, तो यहाँ का लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं, तो चलो यहाँ एक लिख दो, गुणा लगाएंगे और sec स्क्वायर थीटा को तोड़ दो किसमें, इसी वाले सूत्र में जो अभी लिखे थे 1 plus tan² थीटा, ऊपर 2 tan लाना है और यहाँ पे तो एक tan बचा ही है पहले से ही, लिख मारो। अब ये हो गया 1 plus, दोनों जुड़ गए 2 tan² थीटा, हो गया, पहुँच गए स्टेशन आ गया। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, sec ए प्लस tan ए वन माइनस साइन ए इक्वल cos ए। अब इसमें करेगा देखो, एक विकल्प तो ये है कि इधर दो पद लिखे इनका गुणा उड़ा कर डालें, लेकिन हमें तो कुछ नहीं दिख रहा गुणा करने कुछ होने वाला है। एक चीज है ये sec जो है इसको सीधे मान में लिखो, जो 3 सीधे हैं sin cos tan और 3 उल्टे हैं cot sec cos sec, इसको खोलो तो ये भी कुछ sin वाइन जैसा बनेगा एक जैसा, तो कुछ वर्ग वर्ग होने के चांस बनेंगे। इसको खोलो 1 cos θ cos A प्लस sin A बटे cos A, और ये ऐसे ही रहने दो, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। अब देखो इसमें का से हर दोनों का एक है तो लासा हो गया, देखो रिजल्ट आ गया। अब इससे भाग दोगे तो ये ऐसे ही रहेगा, एक बार जाएगा एक में गुणा कर लो, इससे भी भाग दोगे तो एक बार जाएगा ऊपर गुणा कर लो, 1 minus sin, ठीक है, ऐसे बढ़ा लो।
अब ये जो ऊपर बना, अभी इसके पहले वर्गांतर बताए थे, ये प्लस बी ए माइनस बी बना। अगर तुम्हें वर्गांतर समझ में नहीं आया तो इसको लिख के गुणा कर लो, वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए, गुणा करो एक, इससे गुणा करोगे प्लस साइन ए, इससे गुणा करोगे माइनस साइन ए, इसका गुणा करोगे माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे करो, और अगर ऐसे करने पे भी समझ में ना आए तो भैया फिर से सीखो, और क्या कर सकते हो, बात तो सकते नहीं हो, फिर से सीखो और क्या करोगे, ये थोड़ी पढ़ाई छोड़ दोगे, बहुत मारे जाओगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन स्क्वायर ई, ठीक है, अपान कॉस ई, वन प्लस नहीं वन माइनस, यहाँ देखो माइनस आया है, वन माइनस साइन स्क्वायर ई अपान कॉस ई, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ई को, अब सूत्र में घुस गया ये, अब सूत्र में घुस गया तो इसके स्थान पे नीचे भी कॉस है, यहाँ हर नहीं है, इसका मतलब ये कॉस हटेगा, इसका मतलब ऊपर लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर ई अपान कॉस ई, और कॉस ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ये हो गया कॉस ए, और प्रूव हो गया, ठीक है। तो बेटा इसको आधार बना के शुरू करो, घबराहट छोड़ो, आसानी से आप काम कर पाओगे। कल थोड़ा सवाल ही सवाल रहेगी, जटिल सवाल में चलेंगे, और कल थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाएगा तुम्हारे लिए जिसमें 10-12 सवाल हम कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल